और राग सब भये बाराती, दूल्हे राग बसंत, मदन महोत्सव आज सखीरी, विदा भयो हे मंत। कोटि काम कमनीय इस बसंत ऋतु को, श्रृंगारों की तरह धारण कर प्रभु, दूल्हे बनकर और श्री स्वामिनी जी के साथ रंगों से होली खेलने पधार रहे हैं। पुष्टि मार्ग में प्रभु के सहरा के श्रृंगार फागुन के दिनों में कैसे किए जाते हैं, आइए उसका दर्शन करें। सर्वप्रथम श्री प्रभु को स्नान अंगवस्त्र कराकर अत्तर समर्प के और तनिया धारण कराएंगे। तत्पश्चात शीतकाल की वजह से श्री प्रभु को आत्मसुख धराएंगे। आत्मसुख धराकर फिर वस्त्र धराना प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम बाह वस्त्र धारण कराएंगे। बाह वस्त्र को इस तरह धराना है कि प्रभु का पूरा श्रीहस्त उसमें भीतर ढक जाए और उसे पहुंची, जोड़ी एवं बाजूबंद से पड़छियाओं के द्वारा उसे धारण कराना है। सर्वप्रथम पहुंची धरा कर और उसमें मरोड़ी लगानी है। पहुंची वो है कि जिसमें बीच में एक चौकी और मोतियों से बनी हुई वह पहुंची है, और जिसमें मोती नहीं है और चौकियां हैं वह जोड़ी है। उत्सवों में जैसे हम कहते हैं कि दो जोड़ी के श्रृंगार हैं या तीन जोड़ी के श्रृंगार हैं, तो उसमें यही तात्पर्य है कि जैसे हीरा और पन्ना की जोड़ी है या सोना की और मीनाकारी की जोड़ी है, इस प्रकार दो जोड़ी जैसी जोड़ी होंगी श्रीहस्त में वैसे ही आभरण धारण करेंगे प्रभु। जोड़ी पहुंची फिर बाजूबंद धराएंगे। इसी प्रकार से दोनों श्रीहस्त में श्री प्रभु के बाजूबंद, जोड़ी एवं पहुंची धारण करानी है। बाह वस्त्र धराकर फिर श्री प्रभु को चोली धराएंगे।
घेरदार में प्रभु पूरी एक ही चोली धरते हैं, और जब चाकदार वागा धरते हैं तब जैसे अंगरखी में एक अंदर का पड़ और उसके ऊपर फिर एक दूसरा पड़ ऊपर का आता है, उसी प्रकार से चाकदार में भी दो भाग में चोली धारण करते हैं, प्रथम भीतर का भाग और फिर ऊपर का चोली धराकर और फिर सूथन चोली के ऊपर धराएंगे। सूथन चोली को अंदर रखते हुए नीचे से और सूथन को हम पीछे से कसेंगे। सूथन के मध्य में एक फोंदना धराया जाता है, उस फोंदना को दोनों ही चरणों के मध्य में रखते हुए हम चरणारविंद के आभूषण धराएंगे। सूथन को चरण के अनुसार मोड़ कर और उसके ऊपर नूपुर धारण कराएंगे, फिर जेहर धराएंगे, फिर नगभूषण धराएंगे, पगपान धराएंगे, पायल धराएंगे। इस प्रकार हम चरणारविंद के श्रृंगार करेंगे। सूथन जब हम धराएं तब जो आत्मसुख भीतर धराया हुआ है उस आत्मसुख को भी सूथन के साथ ही हमें नूपुर एवं जेहर से धराना है। आत्मसुख भीतर रहे और उसके ऊपर सूथन आ जाए, उस प्रकार से हमें वस्त्र धराने हैं। नगभूषण धारण कराएंगे, फिर पगपान, फिर पायल एवं अनवट बिछिया भी कुंडल के श्रृंगार में धराई जाती है। चरणारविंद के श्रृंगार में विविध प्रकार के आभरण धराए जाते हैं, चूड़ा गुजरी, बेड़, पायल, नूपुर, अनवट बिछिया आदि अनेक आभरण चरणारविंद में श्री प्रभु धरते हैं। चरणारविंद के श्रृंगार हो जाएं, तत्पश्चात चाकदार वागा धराएंगे। चाकदार को मध्य में रखते हुए और
पीछे से उसके पड़छिया को गांठ लगाकर कसेंगे। गांठ इतनी भी जोर से नहीं लगानी है कि प्रभु को परिश्रम हो, और इतनी भी ढीली नहीं लगानी है कि वस्त्र बड़े हो जाएं। चाकदार धराकर फिर पटका कैसे धराना, चाकदार में कटिका पटका जो प्रभु धरते हैं उसमें पटका के दोनों छोर को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और मध्य में से उस पटका को दोनों ही छोर के ऊपर रखना है, और फिर जो नीचे का छोर है उसे घुमाकर ऊपर ले आएंगे और जो पटका था उसके बीच से उसे निकालते हुए उस छोर को ऊपर रख लेंगे, जिससे वहाँ एक गांठ लग जाएगी। इस प्रकार कटी का पटका चाकदार में हम सिद्ध करके और प्रभु को धराएंगे। सूथन पटका के श्रृंगार में भी इसी प्रकार से पटका सिद्ध किया जाता है। छोड़ को हम लंबा या छोटा अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करके और हम धरा सकते हैं। कटी का पटका धरा कर और फिर उसके बाद हम कटिपेच धराएंगे। कटी का पटका आए तो ऐसा नहीं कि कटिपेच नहीं धराते, कटिपेच तो आता ही है, और जब भी चाकदार बागा धरें तब कटी का पटका भी अवश्य ही प्रभु धरते हैं। तो कटिपेच श्री स्वामी जी के प्रेम का भाव है, और उसी भाव से जैसे प्रभु प्रेम से बंधे हैं ऐसे श्री स्वामी जी के प्रेम का प्रतीक यह कटिपेच प्रभु के कटी में धराना है। फिर हम प्रभु को मुखारविंद के श्रृंगार धराएंगे। प्रथम अलंकार धराएंगे। अलंकार के लिए दो मोम की गोली एक सी गोल बनाकर स्वच्छ करके, जैसे उसमें कुछ कचरा न रहे, कोई डंडी या दोरी न रहे, उस प्रकार से अलंकार में जो कटाक्ष का भाग है उसे बाहर की ओर रखते हुए उस गोली को मध्य में लगाना है। इसी प्रकार से दोनों अलंकार तैयार करके और फिर श्री प्रभु को धराएंगे। मुखारविंद पर जब हम अलंकार धराएं उस समय श्री प्रभु को श्रम न हो उस तरीके से धराने हैं। अलंकार पर या मुखारविंद पर बहुत वजन न देते हुए केवल जो लगाव है उस लगाव को हल्के से दबाकर और उसे सही दिशा में मोड़ेंगे और प्रभु के नेत्र नीचे की ओर झुकते हुए रखेंगे। फिर तिलक धराकर और अलकावली धराएंगे। प्रभु के नेत्र नीचे की ओर इसलिए झुके हुए हैं, पुष्टि मार्ग में यह भाव है कि जो जीव प्रभु के शरण में आता है प्रभु उसको ही देखते हैं, जो शरणागत है उसी की ओर प्रभु की दृष्टि होती है। तो प्रभु अपने चरणों की तरफ देख रहे हैं कि जो जीव मेरी चरण में आए उसी को मैं स्वीकार करूं। अलंकार तिलक धराकर और फिर अलकावली धरानी है। अलकावली में तीन पड़छिया होते हैं, एक मध्य में और दोनों कोनों पर। जरा सी गोलाई आए उस प्रकार से थोड़ी लचक देकर और उस अलकावली को धराना है। तिलक एवं अलकावली धराने से पूर्व प्रभु को बांक भी धराया जाता है। मुखारविंद का श्रृंगार हो जाए फिर प्रभु को गोप धराएंगे। गोप को कंठेश्वरी भी कहा जाता है। वह धराकर और फिर हम आज सहरा का श्रृंगार कर रहे हैं इसलिए अंतरवास का पटका भी धारण कराएंगे।
कुछ विशेष श्रृंगारों में प्रभु को अंतर्वास का पटका धराया जाता है, जैसे कि सेहरा, खूब, टिपारा। इन श्रृंगारों में प्रभु को अंतर्वास का पटका धराया जाता है और मुकुट के श्रृंगार में भी अंतर्वास का पटका ही धराया जाता है, पर उसका धराने का तरीका वो कुछ अलग होता है। इन तीन श्रृंगारों में प्रभु जो पटका धरते हैं उसके छोड़ नीचे की ओर ही रहते हैं, पर मुकुट में जो प्रभु पटका धरते हैं उसके छोड़ ऊपर की ओर रहते हैं। इस प्रकार अंतर्वास का पटका धराकर और यदि पीछे कुछ वस्त्र शेष रहे उसे कटिपेज के पड़छिया में बट लगा लेनी है। वस्त्र धराकर और फिर हम श्रीमस्तक के श्रृंगार करेंगे। प्रथम एक मोम की बाती धराकर फिर उसके ऊपर हम प्रभु को दुमाला धराएंगे। दुमाला धराकर वो बड़ा न हो जाए इसलिए एक श्याम पड़छिया में दोनों तरफ मोम की गोली लगाकर और पाक की गोली धराएंगे। पाक की गोली धराकर फिर श्याम रेशम से बनी हुई पाट जो केश के भाव से प्रभु धरते हैं उसको धराकर और फिर पीछे बट लगाएंगे। यदि प्रभु सेहरा न धरने वाले होते तो अब अगले स्टेप में हम सिरपेच धराते, परंतु आज सेहरा का श्रृंगार है इसलिए सिरपेच नहीं धर के और सीधी पाक की लड़ धराएंगे। पाक की लड़ यानी कि दुलरी जो दो लड़ की होती है उसे हम पाट के ऊपर गोलाई में धराएंगे। पाक की लड़ धराकर और फिर हम श्री प्रभु को सेहरा धारण कराएंगे। जब हम प्रभु को सेहरा धराएं तब यह ध्यान रखें कि दुमाला पाक की लड़ वो बड़ी न हो जाए, उस प्रकार से प्रभु को सेहरा धराना है। फिर शीशफूल को तैयार कर शीशफूल का जो टिकड़ा है उसके पीछे मोम की गोली धराकर ऊपर कलगी धराकर और हम शीशफूल धराएंगे। फिर शीशफूल की लड़ जो इखेरी होती है, जो सिंगल होती है, ऐसी शीशफूल की लड़ हम गोलाई में शीशफूल के नीचे धराएंगे। इस प्रकार हम श्रीमस्तक के श्रृंगार करेंगे। श्रीमस्तक के श्रृंगार हो जाएं तत्पश्चात हम प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार प्रारंभ करेंगे। श्रीकंठ के श्रृंगार में हम प्रथम प्रभु को स्कंध पर बाती धराएंगे। फिर हार और कंठी, इस प्रकार हम प्रभु को आभरण धराएंगे। श्रृंगार का प्रारंभ हम कंठी से करेंगे। कंठी धराने से पूर्व भी कई अलग अलग आभरण प्रभु को धराए जाते हैं, जैसे कि लकीरी, कमल माला आदि। अलग अलग प्रकार से हम
प्रभु को पूर्व में कंठी या आभरण धराते हैं। कंठी धराकर जिसमें मोती हो और एक पदक हो उसे कंठी कहते हैं, और जिसमें चौकी हो और मोती हो, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना हुआ आभूषण है जिसमें पदक भी होता है उसे हम हार कहते हैं। तो इस प्रकार एक कंठी एक हार, एक कंठी एक हार, चरण पर्यंत आज कुंडल के श्रृंगार हैं, सहरा के श्रृंगार हैं, इसलिए चरण पर्यंत प्रभु को हम श्रृंगार करेंगे। नीचे से ऊपर बढ़ते हुए एक एक पदक को एक दूसरे के ऊपर जमाते हुए हमें श्रृंगार करते जाना है, बड़े आभरण से शुरू करके और छोटे आभरण तक हमें स्टेप बाय स्टेप एक 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 आभरणों को लेते जाना है। यदि हम बीच बीच में थोड़ी जगह छोड़कर श्रृंगार करना चाहते हैं तो उसे हम सरंध्र श्रृंगार भी कहते हैं, जिसमें बीच बीच में से रंध्र में से हमें वस्त्र के भी दर्शन होते रहें। खेल के दिनों में तो प्रभु विशेष इस प्रकार से श्रृंगार धारण करते हैं, जिससे जब प्रभु चंदन चोवा गुलाल अबीर से प्रभु के खेल हों उस समय प्रभु के वस्त्र के दर्शन हों तो उन वस्त्रों पर प्रभु को खिलाया जा सके। श्री मदन मोहन जी या श्री गोकुल चंद्रमा जी के स्वरूप के श्रृंगार में दोनों प्रकार से श्रृंगार किए जा सकते हैं, या तो श्रीहस्त के भीतर से भी सब आभरण धराए जा सकते हैं, या एक श्रीहस्त के ऊपर से भी हम श्रृंगार धरा सकते हैं। इसमें जैसी श्रृंगारी की इच्छा उस प्रकार से श्रृंगार किए जा सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर आते जाएं, ऐसे ऐसे आभरण भी छोटे होते जाते हैं। फिर जब हम श्रीकंठ के पास आ जाएं, तब प्रभु को कंठमाला धराने से पूर्व हम गुंजामाला धराकर और फिर कंठमाला, हांस और त्रवल धराएंगे। सहरा के श्रृंगार अधिकतर अष्टमी या एकादशी के दिन किया जाता है। फिर जिस प्रकार आपके घर में जो सेवा प्रणालिका के अनुसार आप सेवा करते हों, उस अनुसार आप प्रभु को सहरा का श्रृंगार कर सकते हैं। गुंजामाला को धराते समय जो सबसे नीचे का पदक है, उस पदक के नीचे से गुंजामाला को धराना है, और गुंजामाला और दूसरे आभरणों के बीच जगह न रहे, इस प्रकार गुंजामाला को प्रभु के श्रीकंठ में धराएंगे। फिर तीन लड़ों वाली तिलड़ी, जिसे कंठमाला कहा जाता है, उस कंठमाला को धराएंगे। कंठमाला दो प्रकार की होती हैं, एक तो जिनमें फोंदना लगे हुए हों और दूसरी कंठमाला जिसमें फोंदना न लगे हों। कंठमाला धराकर फिर हांस या हसूली हम प्रभु को धराएंगे। कंठमाला के नीचे हांस धरकर और फिर एक या दो त्रवल हम प्रभु को धरा सकते हैं। विशेष रूप से सहरा के श्रृंगार में प्रभु को हम टोडर और जनोई, ये दोनों ही आभरण प्रभु को धरा सकते हैं।
श्रीकंठ के श्रृंगार पूर्ण हों, तत्पश्चात कुंडल तैयार करके स्वरूप के मुखारविंद के अनुसार कुंडल में मोम लगाकर और प्रभु को कुंडल धरानी है। कुंडल में कर्णफूल दो प्रकार से धरा सकते हैं और यदि न धराने हों तो भी उसमें कोई आपत्ति नहीं। कर्णफूल कुंडल के ऊपर धरा सकते हैं और या तो कुंडल के नीचे धरा सकते हैं। कर्णफूल धराकर प्रभु को छेलकड़ी धराएंगे। छेलकड़ी के बाद फिर हम प्रभु को नकवेसर धराकर और चिबुक धराएंगे। कुंडल धरकर फिर प्रभु को नकवेसर चिबुक धरा दिए जाते हैं। तत्पश्चात पाग या दुमाला जिस ओर हो उस तरफ हम लूम धराएंगे। सहरा के श्रृंगार में लूम भी दो प्रकार से धराई जाती है। एक तो जो नित्य धरते हैं वह लूम तो आती ही है, पर साथ में सहरा की लूम भी अलग से धराई जाती है। सहरा भी दो प्रकार से धरते हैं। एक तो छोड़ बिना का सहरा, यानी कि जिसमें जड़ाऊ छोड़ न हो, ऐसा दुमाला के ऊपर, और या फिर जब प्रभु पाग के ऊपर सहरा धरते हैं तब जड़ाऊ छोड़ के साथ या बादला के छोड़ के साथ प्रभु पाग पे सहरा धरते हैं। लूम धराकर फिर चोटी धराएंगे और चोटी धराकर प्रभु के श्रृंगार इस प्रकार पूर्ण होते हैं।